हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आ गए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। चलिए बात करते हैं आज के आसन के बारे में। आज का जो आसन है वो आसन कटे चक्र के ऊपर है, वेस्ट रोटेशन। मैं आपको बताऊँगा, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी दोनों टांगों को खोल लेना है, जैसे मैं आपको वीडियो में करके बता रहा हूँ। ओपन योर बोथ लेग्स इनटू अ बोथ साइड, देन वन थिंग नाउ, स्ट्रेट योर फीट, नॉट टू साइड। आपका जो पाँव है वो बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, नीचे टेढ़ा नहीं होना चाहिए। डूइंग अ फॉरवर्ड बैंड, सबसे पहले आपने फॉरवर्ड बैंड करना है, एंड देन सेकेंड गोज अप योर बोथ आर्म्स इनटू योर बैक एंड मेक द ग्रिप्स इनटू योर बोथ हैंड्स। अपने दोनों हाथों को पीछे पेट की तरफ दे दें, उसके बाद अपने दोनों हाथों से एक ग्रिप बनाएं जिससे कि आपको वेस्ट रोटेशन करते टाइम हाथ छूटे ना। ओके, चलिए शुरू करते हैं वेस्ट रोटेशन के साथ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सीधे खड़े होकर दोनों हाथ पीठ के पीछे टिकाएं और सिर को नीचे झुकाकर कमर को एक बार बाईं से दाईं ओर चक्र दें और फिर दूसरी बार दाईं से बाईं ओर। इसी प्रकार कुछ देर करने के पश्चात सीधे खड़े रहकर विश्राम करें या लेटकर शवासना कर सकते हैं। वेस्ट रोटेशन करते टाइम नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, प्रश्वास करते रहें। Continuously doing of this practice. It is called Kati Chakra, waist rotation. Okay. If you are not beginner, then doing fastly, more little bit, not much more. Okay. अगर आप एक योगा प्रैक्टिशनर हैं तो आप इसे तेजी के साथ करें, एज मच एज योर बॉडी। धीरे धीरे वेस्ट रोटेशन को करें, पहले लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट। ओके, इसी प्रकार से आप करते रहें। बैलेंस का खास ध्यान रखें। ओके, वेस्ट रोटेशन करते टाइम बैलेंस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये हो गया वेस्ट रोटेशन। चलिए अब आप वापिस आ जाएं। धीरे धीरे से आपको वापिस आना है। दोनों हाथों को ओपन करें, एंड गोज अप बोथ हैंड क्लोज, एंड क्लोज योर लेग्स। अपने दोनों टांगों को नज़दीक ले आए। तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट व्यू बताने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ओपन योर लेग्स, दोनों टांगों को खोल लीजिए, एंड अगर आप एक शुरुआती दौर में कटी चक्र करना चाहते हैं तो आप वेस्ट रोटेशन को इस प्रकार से शुरू कर सकते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी MNC कंपनीज होती है उनमें इस चीज़ को करवाया जाता है, वेस्ट रोटेशन को, ताकि उनका स्वास्थ्य सही से बना रहे। ओके,
चलिए शुरू करते हैं। अगर आप एक शुरुआती दौर में कटी चक्र सीखना चाहते हैं, दोनों पाँव को खोल लें, इस प्रकार से आपको अपनी वेस्ट को रोटेट करना है और ध्यान रहे कि आपका बैलेंस सामान्य रूप से बना रहे। धीरे धीरे करें, एकदम से जल्दी जल्दी करने की कोशिश ना करें। ओके, चलिए ये हो गया फ्रंट साइड। अब मैं आपको बताऊंगा साइड व्यू। दोनों टांगों को ओपन करें, क्लोज नहीं रखना है। देखिए मैं आपको वीडियो में बताता हूँ, ये देखिए, ओपन योर लेग्स देन डूइंग सेम वेस्ट रोटेशन, हिप रोटेशन भी कह सकते हैं इसको। ये देखिए साइड व्यू में देख लीजिए किस प्रकार से साइड व्यू आता है। इसी प्रकार से एक से दो मिनट करते रहें। चलिए साथ साथ में मैं आपको इसके फ़ायदे भी बता देता हूँ कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। अगर आप इस आसना को प्रतिदिन 10 मिनट करते हैं तो इसके फ़ायदे कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। चलिए अब ये हो गया साइड व्यू, अब ये बैक व्यू देखिए। साथ साथ में मैं आपको फ़ायदे भी बता दूंगा। ओपन योर लेग्स एंड डूइंग कटी चक्र। चलिए बात करते हैं फ़ायदों के बारे में। इस कटी चक्र को करने से कमर की पीड़ा, कमर का झुकना और कमर में अकड़ाव, पेट का कड़ापन और श्वास में रुकावट इससे दूर रहते हैं। कटी चक्र वेस्ट रोटेशन प्रिवेंट्स इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रबल्स, प्रिवेंट्स वेस्ट पेन एंड बेंडिंग बॉडी। ओके, बैक पेन के लिए यह आसन बहुत ही अच्छा है। कमर अगर नहीं झुकती है तो झुकना स्टार्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड बेंडिंग, ये देखिए इस प्रकार से, और कमर में अकड़ाव होना यानी कि कमर का ना मुड़ पाना, कमर का दर्द में रहना, इस आसन को करने से दूर हो जाते हैं। और जिनको श्वास लेने में दिक्कत होती है वे इस आसन को जरूर करें, ठीक है। इस आसन को करने से आपके सभी प्रकार के विकृतियां दूर हो जाएंगी। चलिए स्टैंड स्ट्रेट, पुट हैंड्स बिहाइंड द बैक, बेंड द बॉडी एंड हेड, रोटेट द अपर बॉडी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड देन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रिपीट एज मैनी टाइम्स एज डिजायर्ड। ओके, जितनी बार आप ट्राई करना चाहें उतने बार ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए ये साइड व्यू इन वेस्ट रोटेशन। ये देखिए मैंने दोनों हाथों को आपस में पकड़ा हुआ पीछे अपनी पीठ पर, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपको ये बहुत ही फायदेमंद होंगे, इससे आपकी हेल्थ में बहुत ही अच्छा सुधार होगा। चलिए इट प्रिवेंट्स वेस्ट पेन के लिए यह बहुत अच्छी है। जिनको कमर दर्द रहती है वे आसना को करें। बेंडिंग ऑफ बॉडी, कमर का ना मुड़ पाना, ओके, कमर में अकड़पन, ठीक है, अकड़ रहना, तो इससे वे ठीक हो सकते हैं। बॉडी इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रबल्स, जिनको भी रेस्पिरेटरी ट्रबल्स एंड इंटेस्टिनल डिसऑर्डर हैं वे इस आसना को कर सकते हैं सुबह हर रोज़ 10 मिनट। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करूंगा। जो लोग शुरुआती दौर में इस आसना को करना चाहते हैं वे क्या करें, अपने दोनों हाथों को पीछे लें और ऐसे पकड़ लें और फॉरवर्ड बेंडिंग की प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे करना है एंड बैलेंस को नहीं खोना है आपने। ओके, इस प्रकार से आप इस आसना को ट्राई कर सकते हैं, वेस्ट रोटेशन यानी कि पूरी की पूरी कमर को घुमाना। जितने भी कमर के विकार होते हैं वे सारे दूर हो जाएंगे आपके। कमर दर्द हो गया, बैक बेंड हो गया, शोल्डर पेन हो गया, एल्बो पेन हो गया, रिस्ट पेन हो गया, ओके, एंड स्टमक हो गया, एब्डोमिनल हो गया आपके, ये सभी की ग्रोथ हो जाएगी इससे। ओके,
चलिए ये हो गया वेस्ट रोटेशन, ये मैंने आपको करके बता दिया, सभी साइडों से करके मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब आपने क्या करना है, इसको करने के पश्चात आप शवासना करें। शवासना को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो का, ओके, वहां से आपने उस वीडियो को पूरा देख लेना है। अगर आप शवासना नहीं करना चाहते तो ये वीडियो मैं करके बता रहा हूँ। लाई डाउन योर हिप, अपने हिप को आगे डाउन करें और बिल्कुल ढीला छोड़ दें, और ढीला छोड़ने के पश्चात अपने हाथों को आगे पीछे लहराकर स्विंग योर आर्म्स स्ट्रेट एंड बैक, स्ट्रेट बैक, स्ट्रेट बैक, इनहेल एक्सहेल नॉर्मल ब्रीदिंग एज मच एज योर बॉडी, टेक अ डीप ब्रीथ। चलिए फिर चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोस्चर के लिए। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, पहले निरोगी काया फिर माया, ओके, इस बात का ध्यान रखना, पहले निरोगी काया फिर माया। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोस्चर के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर माई ऑल व्यूअर्स, धन्यवाद।